गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजीता। आज आपको लेके जा रहे हैं कामाख्या टेंपल, जो कि असम में है। कामाख्या टेंपल जाने के लिए एक नया रास्ता हो गया है, जो कि पांडू से स्टार्ट होते हैं। कहा जाता है कि कामाख्या में माता सती की योनि गिरी थी, तो यही कारण है कि यहाँ पर माँ की योनि का पूजा हो जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर हर दिन भक्ति का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा और बासंती पूजा और अम्बुबाची में इस मंदिर के एक अलग ही महत्व है। नदी के उस पार नॉर्थ गुवाहाटी में आईआईटी गुवाहाटी स्थित है। यात्रियों की सुविधा के लिए रास्ते की साइड में शेड लगाया हुआ है, जो कि असम में बहुत बारिश होते हैं। कामाख्या मंदिर नीलाचल पहाड़ में स्थित है। आसाम के लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान मिलते हैं, जिसे आप सोवेनियर की तरफ के लिए आप लेके जा सकते हैं। कोविड की वजह से अब भीड़ कम है। इस पहाड़ में कामाख्या मंदिर प्रमुख है और छोटे बड़े और बहुत सारे मंदिर हैं। इस मंदिर को कोच बिहार की महाराजा नरन नारायण ने बनाया था। कामाख्या टेम्पल तांत्रिक विद्या का घर है। अम्बुबाची मेला के दौरान देश विदेश से तांत्रिक साधुओं के समागम होते हैं। टेम्पल के बगल में ही गेस्ट हाउस, लॉज और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। कहा जाता है कि माँ के दरबार से कोई खाली नहीं जाते हैं। 51 शक्तिपीठ में से एक कामाख्या मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। मंदिर धर्म पुराणों का अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसीलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का माँ सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहाँ पर यह भाग गिरे वहाँ पर माता की एक शक्तिपीठ बना गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी। ये जो कबूतर है ये 400 करके बेचते हैं और ये माता के नाम है पूजा दी जाती है। यहाँ आयोजित करा जाता है प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला। यह मेला हर साल जून के महीने में आयोजित किया जाता है। कहते हैं साल में एक बार माता कामाख्या मंदिर 3 दिनों के लिए राजेश्वर होते हैं। सदियों से चली आ रही है मान्यता और अटूट विश्वास के अनुसार कि कोई कामाख्या सिंदूर का प्रयोग करता है उस पर माता देवी का कृपा बनी रहती है। यह सुंदर वशीकरण जादू टोना, गृह कलेश, कारोबार में बाधा, विवाह और प्रेम की समस्या या दूरी करते हैं। कामाख्या टेम्पल की मेन गेट है। पुरानिक तरीके से माँ को बलि विधान दे के पूजा की जाती है। यहाँ मटके के हर दोम पे लगा हुआ है सोना, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री ने रिसेंटली 22 किलो की सोना गिफ्ट किया गया है माँ कामाख्या टेम्पल को। कामाख्या टेम्पल कामाख्या माँ को फोन से भी आजकल दर्शन करते हैं। वक्त का कमी नहीं है। यहाँ वक्त अपना मन्नत पूरी होने पर 5 तरह की बलि होते हैं। लगभग इसमें आपको 1 लाख के खर्चा होते हैं। माना जाता है कि कामाख्या मंदिर की यात्रा और दर्शन महावैरव उमानंद मंदिर के दर्शन के बिना अधूरी माने जाते हैं। कामाख्या टेम्पल में जो अम्बुबाची मेला होते हैं उस मेले को तांत्रिकों का मेला भी कहा जाता है। अगर आपके भी कोई मनोकामना है आप जरूर आइए कामाख्या मंदिर। आशा करती हूँ आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। कुमारी पूजा इज हेल्ड एट द कामाख्या टेम्पल एवरी ईयर प्रियर टू दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन दैट बिगिन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा एंड ए ट्रेडिशनल इज एज ओल्ड एज दैट ऑफ द ओरिजिनल ऑफ कामाख्या टेम्पल। यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं और नारियल फोड़े जाते हैं, जो आपको मनोकामना पूरी हो जाए। टेम्पल के एंट्रेंस में आपको पूजा के सारे सामान, मंदिर के परिसर में बहुत सारे देव देवी की पूजा की जाती है। ये एक विष्णु भगवान की मूर्ति है। मंदिर परिसर के अंदर मंदिर के 2 नंबर गेट के सामने बलि घर या सैक्रिफिशियल हाउस है। रोज यहाँ पे लोग अपने मन्नत के लिए कई सारे बलि देते हैं। ये मंदिर के 2 नंबर गेट है। बलि विधान से माता की आराधना करना तांत्रिक पद्धति में मान्यता है। अभी हम मंदिर के उत्तर साइड में आ गए हैं।
यहाँ पे भी दीवार में काफ़ी सारे मूर्तियाँ हैं। मुझे यहाँ पर नेपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान के काफ़ी भक्त मिले। यहाँ पे एक जगह पे एक मूर्ति के पास काफ़ी सारे घंटे लटका हुआ है। ये मंदिर के उत्तर गेट है। अभी हम कुंड जा रहे हैं। इस कुंड के पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है और तांत्रिकों के लिए बहुत प्रभावशाली है। ये कुंड इतने पहाड़ के ऊपर होते हुए भी इसके पानी कभी सूखते नहीं है। मेन मंदिर के दीवार पर अनेक सारे देव देवी की बड़ी मूर्ति बनी हुई है जो देखने में बेहद सुंदर है। मानो ऐसा लगता है कि आपके आंखें स्थिर रह जाते हैं। ये सोच के अचंभित तो हो जाती हूँ कि शिल्पकारियों ने किस तरह से बेजान पत्थर में जान फूंक दिया। इन मूर्तियों में हमारी पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। यह देख के मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि हमारी भारत की शिल्पकारी कितनी निपुण थी और कितना निष्ठा से काम करते थे। कामाख्या मंदिर आसाम के शिल्पकारों की बनाई हुई एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आसाम के मंदिरों के डोम बाकी भारत की मंदिरों से अलग है, आप देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए आप अच्छा रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।